डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस एट वर्क. वो बहुत मेहनती है. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. आपको किस किस्म के सामान की जरूरत है? वट टाइप ऑफ सप्लाइज डू यू नीड? सप्लाइज मतलब सामान की. वट टाइप ऑफ सप्लाइज डू यू नीड? आप मुस्तकबिल में इसके साथ काम करेंगे. यू विल बी वर्किंग विद हर इन द फ्यूचर. यू विल बी वर्किंग विद हर इन द फ्यूचर. आपने यहाँ कितने अरसे से काम किया है? हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हेयर? हाउ लॉन्ग कितना अरसा हैव यू वर्कड हेयर? आपने यहाँ काम किया है. हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हेयर? क्या मामला है? व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर? क्या फाइल तैयार है? इज द फाइल रेडी? रेडी मतलब तैयार. इज द फाइल रेडी? बस वक्त की पाबंदी करने की कोशिश करें. जस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल. जस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल. पंक्चुअल मतलब पाबंदी करें. क्या आपने तनख्वाह का बिल बनाया है? हैव यू मेड अ सैलरी बिल? हैव यू मेड अ सैलरी बिल? मेड मतलब बनाया. आप ठीक से काम क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली? व्हाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली? मुझे अभी बहुत काम करना है. आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. आई स्टिल स्टिल मतलब अभी भी. आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा. बराहे करम अपने काम पर तवज्जो दें. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. कॉन्सेंट्रेट मतलब तवज्जो दें. मैं अपनी तनख्वाह में इजाफा चाहता हूँ. आई वॉन्ट एन इंक्रीमेंट इन माई सैलरी. आई वॉन्ट एन इंक्रीमेंट इन माई सैलरी. इंक्रीमेंट मतलब इजाफा. क्या मुझे बोनस मिलेगा? विल आई गेट अ बोनस? गेट मतलब मिलना. विल आई गेट अ बोनस? आप जो कह रहे हैं मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ. आई एम फॉलोइंग वट एवर यू आर सेइंग. फॉलोइंग मतलब पैरवी. वट एवर जो भी कह रहे हैं. सेइंग कहना वट एवर जो भी. आई एम फॉलोइंग वट एवर यू आर सेइंग. बॉस आज खराब मूड में है. बॉस इज इन बैड मूड टूडे. बॉस इज इन बैड मूड टूडे. क्या आपने ईमेल भेजी है? हैव यू सेंट एन ईमेल? सेंट मतलब भेजना. हैव यू सेंट एन ईमेल? मैं ईमेल भेजना भूल गया. आई फॉरगॉट टू सेंड एन ईमेल. आई फॉरगॉट टू सेंड एन ईमेल. फॉरगॉट मतलब भूल गया. मुझे एक ईमेल मौसूल हुई है. आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल. आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल. रिसीव्ड मतलब मिली है, मौसूल हुई है. असाइनमेंट वक्त पर जमा कराएं. सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम. सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम. सबमिट मतलब जमा कराएं. मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है. आई हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन. आई हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन. डिलीवर मतलब देनी है. आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है. योर सैलरी मे बी डिडक्टेड. योर सैलरी मे बी डिडक्टेड. डिडक्टेड मतलब काटी जा सकती है. मेरी तनख्वाह कैसे कट गई? हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट? हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट? मैं ट्रैफिक में फंस गया था. आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक. आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक. स्टक मतलब फंस गया था. क्या आप इसकी फोटोकॉपी चाहते हैं? डू यू वॉन्ट अ फोटोकॉपी ऑफ इट? डू यू वॉन्ट अ फोटोकॉपी ऑफ इट? इन दिनों काम का शदीद दबाव है. देर इज अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क दीज डेज. देर इज अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क दीज डेज. हैवी प्रेशर मतलब शदीद दबाव. आप इस्तीफा दे दें तो बेहतर है. इट्स बेटर इफ यू रिजाइन. इट्स बेटर इफ यू रिजाइन. बेटर मतलब बेहतर है. इसे वार्निंग दे दी गई है. ही हैज बीन वॉर्न्ड.
ही हैज बीन वॉर्न्ड, हैज बीन दे दी गई है वॉर्न्ड, वार्निंग। छुट्टी से मुतालिक नोटिस नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। द नोटिस अबाउट द हॉलीडे हैज बीन पोस्टेड ऑन नोटिस बोर्ड, द नोटिस अबाउट द हॉलीडे हैज बीन पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। क्या आपने वाजे तौर पर हदायत पर अमल किया? डिड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली? डिड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली? फॉलो मतलब अमल किया, क्लियरली वाजे तौर पर। मुझे अपनी किस्तें जमा करानी हैं। आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट्स, आई हैव टू डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा करानी है, माई इंस्टॉलमेंट्स किस्तें, आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने आज के लेसन को बहुत इंजॉय किया होगा। बहुत से ऐसे सेंटेंसेज होंगे जो आप ऑलरेडी जानते होंगे और बहुत से ऐसे न्यू सेंटेंसेज होंगे जो आपको सीखने को मिले होंगे। तो अब आप इन सेंटेंसेज की अच्छे से प्रैक्टिस करके आप ऑफिस में बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं बगैर किसी झिझक के। पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप आज काम कर रहे हैं? Are you working today? Are you working today? Working मतलब काम करना, today आज। अगर आपने बोलना है कि आप आज काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे Are you working today? अरे बहुत खुशी हुई कि आप हमारी टीम में शामिल हो गए हैं। Hey, so happy you have joined our team. Hey, so happy you have joined our team. Joined मतलब आप उसमें शामिल हुए हो। हमारी टीम में खुश आमदीद, वेलकम टू आवर टीम, वेलकम टू आवर टीम, वेलकम खुश आमदीद। पहला दिन मुबारक हो, अगर आपने किसी न्यू एम्प्लॉय को बोलना है पहला दिन मुबारक हो तो आप बोलेंगे हैप्पी फर्स्ट डे, हैप्पी फर्स्ट डे। आपको हमारे साथ पाकर बहुत अच्छा लगा, It's so great to have you with us. It's so great to have you with us. Great मतलब बहुत अच्छा लगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बराहे करम मुझे बताएं। Please let me know if you need anything at all. Please let me know if you need anything at all. Let me know मतलब मुझे बताएं। अगर आपने बोलना है बराहे करम यहाँ दस्तखत करें तो आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे प्लीज साइन हेयर, साइन हेयर मतलब यहाँ दस्तखत करें, प्लीज साइन हेयर। इसको हम एक और सेंटेंस में भी बोल सकते हैं कि पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर। इसको हम दस्तखत, अगर आपने कहना है कि आप दस्तखत करेंगे तो इसको इसके लिए हम दो सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई एम वेरी बिजी टुडे। आप किस ओहदे पर फाइज हैं? व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड, व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड। मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली गई, माई एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब कबूल कर ली गई, माई एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड। आपका दफ्तर कब खुलता है? When does your office open? When does your office open? आपका दफ्तर कब बंद होता है? When does your office close? When does your office close? मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता, I cannot go to the office today. The office करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर हो जाएगा, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं I cannot go to office Today. क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं? आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस, वर्किंग मतलब काम करते हैं, आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस। बॉस बहुत सख्त है, द बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, द बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, कैन आई गेट वन डेज लीव, Can I get one day's leave? इसे छुट्टी नहीं मिल सकी, He couldn't get a leave.
ही कुडंट गेट अ लीव। मीटिंग शुरू हो गई है, मीटिंग हैज स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई है, मीटिंग हैज स्टार्टेड। इजलास या मीटिंग मुलतवी कर दिया गया है, मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड मतलब मुलतवी कर दिया गया है। इजलास पीर को होगा, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे। मीटिंग मनसूख कर दी गई है, द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड। द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड। पिछली मीटिंग में इस बार बात हुई थी, इट वॉज डिस्कसेज इन द प्रीवियस मीटिंग। इट वॉज डिस्कसेज इन द प्रीवियस मीटिंग, प्रीवियस मतलब पिछली मीटिंग। मैं दफ्तर के रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन द वे टू ऑफिस। आई एम ऑन द वे, रास्ते पर, टू ऑफिस। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, गेटिंग लेट देर हो रही है। मैं दफ्तर से कभी लेट नहीं होता, आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। प्रिंटर काम नहीं कर रहा, द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आर यू वेटिंग फॉर समवन। आर यू वेटिंग फॉर समवन, वेटिंग मतलब इंतजार। मुझे अफसोस है कि आपको इंतजार में रखा, आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग। आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग। प्लीज मेरा लैपटॉप ले आओ, ब्रिंग मी माई लैपटॉप प्लीज। ब्रिंग मी माई लैपटॉप प्लीज। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से न्यू वर्ड्स हैं, जो न्यू सेंटेंसेस जो आपको सीखने को मिले, और आगे हम कौन से ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं जो आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियोज़ जो है अपनी आने वाली बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।